अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जो मैंने वीडियो पहले अपलोड की थी, तो मैंने उसमें शायद आप के लिए कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो भेजूंगा कि कैमरा किस तरह परचेज़ किया जाता है। तो आज हम मौजूद हैं फिर से रिजवान कैमरा सेंटर में, और हमारे आसिफ भाई आपको पता है आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर होते हैं। तो और आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे कि मज़हर भाई ने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, तो मकसद ये कि आपको हर चीज़ में अपने साथ लेके चलना है। तो आपको भी हम बताएंगे कि किस तरह परचेज़ किया जाता है। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं आसिफ भाई से, और आसिफ भाई से मालूम करते हैं कि आसिफ भाई कौन सा कैमरा स्टिल फोटोग्राफी के लिए होता है, कौन सा कैमरा वीडियो फोटोग्राफी के लिए होता है, और कितने बजट से स्टार्ट किया जाता है, कौन सा माइक लग जाता है। तो आइए चलते हैं आसिफ भाई से, और आसिफ भाई से मालूम कर तो गाइस आइए चलते हैं आसिफ भाई से, और आसिफ भाई से मालूम करते हैं। आसिफ भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई, हमारे व्यूअर जो है वो आपकी वीडियो का बड़ा इंतजार करते हैं कि आसिफ भाई हमें क्या बताएंगे। जी तो बिल्कुल। आज हमारी जो वीडियो बनाने का मकसद है कि कैमरा किस तरह परचेज किया जाता है, तो उसके बारे में हमें बताएं। एज अ कोई कस्टमर आता है तो आपसे मांगता है कि हमें स्टिल फोटोग्राफी के लिए चाहिए या वीडियो फोटोग्राफी के लिए चाहिए, तो उसके लिए हमें कितनी रेंज और कितनी रेंज करनी पड़ती है, और कितने तक का कैमरा अच्छा मिल जाता है। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि आप यूज़र हैं कि आप ये चाहते हैं कि हमें एक प्रोफेशनल लेवल पर कैमरा आपके हाथ में होना चाहिए जो कि DSLR कैमरा कहलाता है। तो यहाँ पर DSLR की तमाम कैटेगरी मेरे पास मौजूद है, इसके अलावा भी तमाम कैटेगरी मेरे पास मौजूद है। वहाँ अगर आप बहुत अच्छी पिक्चर बनाना चाहते हैं, स्टिल फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो ये मैं आपको कैमरा दिखा देता हूँ जिसका नंबर है, मॉडल नंबर है X2 मॉडल नंबर है, और ये किस सीरीज़ कहलाती है। जो किस सीरीज़ आप बोलेंगे कि ये कौन सी सीरीज़ आ गई, तो ये हमारी एशिया की सीरीज़ नहीं है, ये यूरोप साइड की सीरीज़ है, ये जो कि जापान यूरोप के लिए बनाता है, और ये भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है रिजवान कैमरा सेंटर पर X2 की सीरीज़। ये स्टिल फोटोग्राफी के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है, आला चीज़ है ये। बड़े साइज़ की इसकी LCD है, पिक्चर क्वालिटी। आप इसका अच्छा, एक आपको ख़ास बात इसमें बता दूँ, इसके अंदर आप कोई भी लेंस सपोर्ट करवा सकते हैं। आप जितना बड़े से बड़ा लेंस इसमें लगाते हैं, आप इसके अंदर लेंस हो जाता है चेंज, ठीक है ना। मतलब आप जूमिंग लेंस, मतलब गाइस, तो जूमिंग लेंस जैसे कि 75-300 वगैरह होता है, तो आसिफ भाई उसके बारे में हमें बताएंगे कोई बिल्कुल, 75-300। 75-300 लेंस। आप जैसे आपने छोटे लेंस से आपने ये बड़ा लेंस आपने इसमें लगा दिया, तो ये भी फिट हो जाएगा। इसमें डरने की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है, हमने कैमरा तो आप स्टिल फोटोग्राफी वाला ले लिया, आप लेंस कैसे लगाएंगे। हम ये लेंस हमने लगा दिया इसके अंदर बड़ा 75 से 300 लेंस। तो गाइस ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है X2 कैमरा, इसके अंदर जो भी आप लेंस लगा लें, लेकिन इसके साथ आपको मिलेगा 18-55, 18-55 के साथ ही आपको मिल जाएगा। प्राइस बता दूं मगर भाई, प्राइस बताए ना सुबह, अच्छे से अच्छे बताए, और हमारा नाम लेके व्यूअर्स आएंगे तो उनको क्या फायदा मिलेगा ये भी बता जी दें। बिल्कुल, मज़हर भाई के नाम से आप यहाँ पर आते हैं, मज़हर भाई को तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो 18-55 लेंस के साथ ये हम आपको दे रहे हैं 24,000 का, 24,000 रुपये का आपको वाह दे भाई रहे वाह। हैं। इसके साथ लेंस अगर आप और मज़ीद आप लेना चाहें, तो जो भी कमी पेशी होगी हम मतलब आपको वो किट लेंस जो होता है वो 1855 होता है, तो उसके साथ ही आपको 24,000 में मिलेगा। ट्वेंटी अगर फोर अदरवाइज अगर आप लेंसेस लेना चाहते हैं 75-300 वगैरह 50 mm वगैरह, तो उसके अदर चार्जेस है बिल्कुल, मतलब। वो माइनस भी हम कर देते हैं, 18-55 आपको नहीं चाहिए तो वो माइनस करके हम जो भी होता है वो हम आपको ऊपर नीचे करके दे देते हैं। इसके अलावा आगे हम आपको दिखा देंगे जो कि बहुत मशहूर चीज़ है। अभी ऐसे भाई ऐसा बताएं कि जैसा मतलब कोई कॉलेज वगैरह में यूज करने के लिए वीडियो पिक्चर दोनों जिसमें बन सके और दोनों यूज हो सके, मतलब नॉर्मल फैमिली यूज के लिए कितने तक में कैमरा और कौन फैमिली सा। यूज़ के लिए और कॉलेज वगैरह के लिए आपने पूछा, तो ये सारी चीज़ों के अंदर आ गया है यहाँ पर, जो कि लोग जानते हैं यहाँ पर एशिया में, पाकिस्तान में हर किसी की ज़बान पर ये होता है। जो भी लड़के लड़कियाँ जो भी यूज़ करते हैं, ग्रुप्स यूज़ कर रहे होते हैं जो भी, वो 1300D को तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो तो आप भी जानते होंगे मदर भाई। ठीक बिल्कुल। ये 1300D हाथ में है मेरे, इसके अंदर आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो और पिक्चर भी बना सकते हो। सही वीडियो HD है, इसके अंदर सही HDMI ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है। ये कैमरा मेरे हाथ में आ गया है, इसकी भी बड़े साइज़ की LCD है, और इसको एक ख़ास बात है, इसमें वाईफाई का ऑप्शन इसमें डाल दिया है कैनन वालों ने, तो इसमें वाईफाई ऑप्शन भी मौजूद है बिल्कुल। तो ये मतलब के वाईफाई से कनेक्टिविटी के लिए, मतलब आप अपना डेटा अपने मोबाइल में कनेक्ट करके मोबाइल, तो सारा डेटा अपने मोबाइल में डाल सकते हैं ऐसे ही बिल्कुल ऐसे बिल्कुल भी। ऐसा ही है, इसको आप वाईफाई के थ्रू भी आप अपना डेटा कन्वर्ट करके लैपटॉप वगैरह में ट्रांसफ़र करना चाहें, इजीली आप मोबाइल में करना चाहें, तो ये भी हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास फ्रेश कंडीशन में भी है, और इसमें हल्की कंडीशन में भी मौजूद है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर। तो ये आपको कम
कम से कम बजट के अंदर 18-55 के अंदर ही आपको दे रहे हैं हम 35 का, 35,000 रुपये का हम दे रहे हैं आपको 13 सूटी। बिल्कुल रिजवान कैमरा सेंटर को याद जरूर रखें। अच्छा तो ये तो बताएं, आप दे तो रहे हैं, वारंटी भी देंगे ना हमारे व्यूअर्स को? हाँ क्यों नहीं, वारंटी आप कितनी आप लेना चाहेंगे, वारंटी में आप कितना आप सेटिस्फाई होंगे कि आपको 6 महीने में सेटिस्फाई होंगे या साल में, तो हमने आपको साल की वारंटी दे दी इसके अंदर। अच्छा वो भी आपके आसिफ भाई, और अगर हमारे कोई व्यूअर्स मंगाते हैं बलूचिस्तान से, सिंध से, तो उधर कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाती है? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपको किसी भी पाकिस्तान के किसी भी शहर में किसी भी कोने में आपको चाहिए वहाँ पर आपकी डिलीवरी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो मार्केट में कहीं भी नहीं नजर आएगा आपको, मतलब रिजवान कैमरा सेंटर में कैश ऑन डिलीवरी भी है। और मतलब मैं खुद भी रिजवान कैमरा सेंटर में ही होता हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज मिले और आपको अच्छी से अच्छी चीज हम दिखा सके और दे सके। और आपके पैसे हम नहीं फंसा रहे, आपके पैसे नहीं फंसाएंगे हम जब तक आपको पार्सल वहाँ पर नहीं मिले। आपको जब पार्सल वहाँ पर मिल जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा, आप उसको पेमेंट दे दें और अपना पार्सल ले लें इजीली। बहुत अच्छा हमारे पास सर्विस है, उससे बेफिक्र रहे हैं, जो चीज़ आप देखेंगे वही आपको मिलेगी। मजीद मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ X3 मॉडल नंबर, पहले X2 मतलब ये आप वो कैमराज दिखा रहे हैं जो बिगनर यूज़ के लिए, मतलब स्टार्टिंग फोटोग्राफी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिगनर यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जो कि कम बजट में अच्छी चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो भी आप बासानी अपना काम निकाल सकते हैं। अगर फोटोग्राफर भी हैं आप, तो अपना इवेंट वगैरह शूट करने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने घर पर रख दें जाकर, इवेंट वगैरह भी आप इससे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर साइज़ की कोई लिमिट नहीं है। जितने बड़े साइज़ के पिक्चर बनाना चाहें, डेवलपमेंट करना चाहें, कर सकते हैं। X3 ये मॉडल हमारे पास मौजूद है, X2 पहले मैंने दिखाया, X3 अब आप ये सारी सीरीजें दिखा रहे हैं भाई आसिफ भाई, ये सारी सीरीजें दिखा रहे हैं जी। बिल्कुल X3 है, किस सीरीज है ये, X3 मॉडल नंबर है, और ये 500D कहलाता है एशिया के अंदर, आप जानते होंगे 500 को, लेकिन ये हमने यूरोप का आपको दिखाया है, जो जापान यूरोप के बना लिए बनाता है, उसके बोर्ड में थोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, तो ये बोर्ड मतलब अगर ये एशिया की कहलाएगा तो ये क्या कहलाएगा, 500D कहलाएगा, 500D कहलाएगा, लेकिन ये यूरोप की साइड पर X3 कहलाता है, किस सीरीज, छोटा सा वर्ड उन्होंने दे दिया है X3, यहाँ 500 कहलाता है, 500D कहलाता है। तो ये वीडियो भी है इसके अंदर, और पिक्चर भी है, और HDMI ऑप्शन भी है इसके अंदर, और ये भी बहुत अच्छी चीज़ हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में, 10x10 कंडीशन के अंदर मौजूद है, देख लें 18-55 लेंथ के साथ ये मौजूद है हमारे पास, तो ये भी आपके लिए मौजूद है यहाँ पर आपको। अच्छा तो आसिफ भाई, अभी ऐसा कैमरा दिखाए कि जिसमें माइक भी लग जाए और वीडियो का भी काम बेहतरीन हो और स्टिल फोटोग्राफी भी हो और लेंस भी अच्छा लगा हो, मेरा ख्याल आपके पास काउंटर में रखा हुआ भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा आपको, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा व्यूज करना चाहते हैं, आप बजट लिमिट की कोई परेशानी नहीं है आपको, आपके पास बजट अच्छा है तो आप एक अच्छी सी चीज़ ले सकते हैं। ये X7 है, ये भी आ गया, वही जो इम्पोर्ट वाला होता है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इम्पोर्ट नहीं है, यहाँ पर एशिया का यूज़र है, तो ये इम्पोर्ट वाला है। देखें, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं यहाँ पर नहीं खड़ा, ये आप यहाँ पर नहीं खड़े, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि कैमरा आपके लिए मैं परचेज कर रहा हूँ, आप ऐसा समझे कि आपको पूरी डीलिंग दिखाई जा रही है, पूरा समझाया जा रहा है चीज़ों के बारे में, तो अगर किसी भाई को नीड है तो जल्द से जल्द आसिफ भाई से रब्ता करें। जी यहाँ पर X7 मौजूद है, ये आप 100D कह सकते हैं इसको, क्योंकि एशिया में 100D कहलाता है, लेकिन ये X7 है, जापान यूरोप के लिए बना रही है, किस सीरीज़ में X7 है, ऑटो फोकस वीडियो इसकी, फुल HD वीडियो इसकी, टच LCD है इसकी, बड़े साइज की टच LCD है। तो आसिफ भाई, जो लेंस इसमें लगा हुआ है, इसी लेंस के साथ आप प्राइस बताएंगे? नहीं, मैं इसके साथ तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट इस लेंस की नहीं होती है, ज़्यादातर लोगों की रिक्वायरमेंट ये नहीं होती है, तो वो एक पोर्ट्रेट लेंस लेना चाहते हैं 50mm, जो कि 50mm भी ले सकते हैं, 18-55 लगाना चाहें 18-55 लगा सकते हैं STM, और इसके अलावा जो भी मर्ज़ी आप 75-300 वगैरह जो भी लेंस लगाना चाहें लगा सकते हैं। हमने एक डिस्प्ले के तौर पे यहाँ पर लगाया हुआ 17-85, आपकी रिक्वायरमेंट ये होगी तो आप ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल छोटे साइज़ की बॉडी है, ऑटो फोकस बॉडी है ये, और काम इसका बहुत बड़ा है, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, माइक ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है, वी लॉगिंग आप कर सकते हैं यहाँ पर माइक लगाकर, और माइक भी हमारे पास तमाम किस्म के मौजूद है, अगर माइक के लिए भी मालूम करना चाहें तो माइक भी मौजूद है, लेकिन माइक ऑप्शन भी है, HDMI ऑप्शन भी है, तमाम चीज़ें मौजूद है यहाँ पर, तो ये भी आप ले सकते हैं, हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तमाम चीज़ें आपके लिए, मतलब गाइस आप हर चीज़ आपको मिल जाएगी इधर रिजवान कैमरा सेंटर में,
वीडियो बनाने का मकसद ये कि आप तक पहुंचे, और मजीद भी आपको व्हाट्सएप पे अगर पूरी वीडियो डीलिंग दी जाएगी, अगर कोई कराची से नहीं है, जैसे बाहर से, सिंध वगैरह से, पंजाब वगैरह से, तो जैसे सिंध वगैरह से, पंजाब वगैरह से कोई हमारे भाई है, तो उसके लिए ये है कि कैश ऑन डिलीवरी का भी इधर रिजवान के मैं सेंटर में ऑप्शन मौजूद है, तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, मतलब कहीं से भी बैठ के आप मंगा सकते हैं। अगर कराची से तो आएँ, आसिफ भाई से मिलें, आसिफ भाई से रब्ता करें, और आपको आसिफ भाई हर चीज़ के बारे में बताएगा। आसिफ भाई के पास अच्छे से अच्छे कैमकॉर्डर भी रखे हुए हैं, और आसिफ भाई के पास आके मिलें, आपको हर चीज़ में फ़ायदा मिलेगा, आप देख सकते हैं। ज़रूर आइए विजिट ज़रूर करें। अच्छा आसिफ भाई, आपके पास आने से पहले मार्केट जाना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप दो दुकानें देख कर आ रहे हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको फिर आइडिया होता है, आपको उस चीज़ की वैल्यू का अंदाज़ा होता है जो आप लेना चाहते हैं। सही सही, ठीक। ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ DSLR का बताया था, नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूंगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छी होगी, व्लॉगिंग के लिए अच्छी होगी, यूट्यूबर के लिए अच्छी होगी, तो ये मैं आपको सिर्फ नेक्स्ट टाइम बताऊँगा। हमारे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं मज़र भाई के साथ, और आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी वो चीज़ें। इसके अलावा मदर भाई आपको हमारी शॉप की पूरी लोकेशन दिखाएंगे अभी कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या सामान मौजूद है। तो गाइस देखिए, आसिफ भाई ने तो बोल दिया नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, तो मतलब बहुत अच्छी वीडियो आएगी, आसिफ भाई ने अभी से सोच लिया है। तो अभी हम थोड़ा दुकान का व्यू कराते हैं और फिर आसिफ भाई से एड्रेस मालूम करते हैं। तो ये देखें गाइस, ये आप शॉप देख सकते हैं पूरा, ये काउंटर में DSLRs वगैरह रखे हुए, न्यू कैमराज रखे हुए। तो आइए आसिफ भाई से बस एड्रेस का मालूम करते हैं, एड्रेस हमें आसिफ भाई बताएंगे। तो आसिफ भाई, एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी बिल्कुल, मैं एड्रेस बता देता हूँ आपको कि आप अगर कराची में रहते हैं और कराची के रिहायशी हैं, तो सदर को तो हर किसी को पता है, सदर कराची में सदर, तो सदर पर जब आते हैं सदर में, तो रीगल चौक पर आइए, यहाँ पर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस मिलेगा आपको, जी पी ओ के साथ ही एक मार्केट है, हकीम है ना, आशमी मार्केट, उसके अंदर आप जैसे ही एंटर होंगे तो तीसरी चौथी शॉप आपको रिजवान कैमरा सेंटर मिल जाएगी, और शॉप नंबर 23, यहाँ पर आप आ जाएं और विजिट कर लें। अगर आप कहीं और से आते हैं जब भी विजिट कर सकते हैं। भाई कॉन्टैक्ट नंबर भी दें अपना। जी बिल्कुल, मैं कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 03462409659, 03045222275। रब्ता कीजिए, और रब्ता करके भी मालूम कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, और कराची में किसी भी जगह, पाकिस्तान में किसी भी शहर में आपका ताल्लुक है, तो आप व्हाट्सअप करें, अपनी चीज़ को देखें, मालूम करें, और वहाँ पर मंगवा लें ईजीली COD अकाउंट के ज़रिए। सिर्फ आपको एडवांस देना होता है 1000 रुपीज़, और वो एडवांस जमा कराइए और अपना पार्सल अपने एड्रेस पे मंगवा लें। ओके व्यूअर्स, ठीक है, आपने सब सुन, आसिफ भाई ने आपको बता दिया। तो अगर हमारे पेज पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे आगे आपको बहुत मज़ा आएगा हमारे साथ घूम के, ट्रैवल करके। ये तो आपको हमने शॉप को भी दिखाया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।